अस्सलामुअलैकुम खवातीन हज़रात, इंडिश फूड की तरफ से आपका मेज़बान अहमद अवैस एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब, आज मैं आप सबके साथ वर्जन मोजीटो की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त मशरूब है और गर्मियों में सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है, जिससे आपके अंदर की जो गर्मी होती है वो निकल जाती है। तो चलिए, ये आसान और मज़ेदार सी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। तो जनाब, मोजीटो की ये रेसिपी मैं आज देसी स्टाइल से बना रहा हूँ। मोस्टली लोग एक बॉक्स होता है इसके लिए, तो उसमें सब चीज़ें डाल के ऐसे ऐसे शेक करते हैं, तो उसमें भी बन जाता है, लेकिन मैं देसी तरीके से बना रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि मैं किस में बनाने लगा हूँ। तो जनाब, सबसे पहले हम एक कुंडी डंडा ले लेंगे। मैं अभी 3 से 4 ग्लास बनाने लगा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं पुदीना इसमें ऐड करूँगा। 3 लेमन है, इनको मैंने चॉप कर लिया है, ये इसमें ऐड कर रहा हूँ। जनाब, वर्जन मोजीटो में आप नॉर्मल वाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं, ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें गुड़ ऐड कर रहा हूँ। तो ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना मीठा पसंद करते हैं तो उतना आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जनाब, अब इस डंडे की मदद से हम इसको अच्छी तरह से कूटेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं कूटना, बस 20 से 30 सेकंड के लिए आपने इसको हल्का सा मैश करना है। थोड़ा सा कूटने के बाद मैं इसमें पुदीना और ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो असल टेस्ट है वो पुदीने का ही आएगा। ये देखिए जनाब, ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया, तो अब इसको एक जग में निकाल लेते हैं। जी तो जनाब, अब मैं इसमें बर्फ़ ऐड कर दूंगा। जितना आपने ठंडा पीना है उस हिसाब से आप आइस इसमें ऐड कर लें। जनाब, इस मोजीटो को आप सोडा के साथ भी ले सकते हैं और स्प्राइट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। तो अभी मैं इसमें दोनों ऐड करूंगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार। जनाब, इसमें थोड़ा सा मैं ब्लैक साल्ट ऐड कर रहा हूँ। ये जनाब हमारा मोजीटो रेडी है, तो अब इसको ग्लास में डाल लेते हैं। जी तो जनाब, हमारा ये ज़बरदस्त वर्जन मोजीटो रेडी है। तो चलिए, मैं आप सबको टेस्ट करके बताता हूँ कि ये कैसा बना। ओए होए होए, आला, सुपर, बहुत ज़बरदस्त। जी तो जनाब, आई होप आप सबको आज की ये आसान और मज़ेदार वर्जन मोजीटो की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। एक बार आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है और आपको ये ज़बरदस्त गर्मियों का मशरूब कैसा लगा है। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। इसी के साथ अहमद अवैस को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।